थैंक यू रूपा बेन, और आप सभी का भी बहुत थैंक्स कि आपने सेवा का मौका दिया। और बहुत अच्छा, जैसे ये संगठन जो है जहाँ पर सब मिलकर के इतना अच्छी तरह से स्व उन्नति का मिलकर के जो हम अभ्यास करते हैं, तो संगठन की भी एक अपनी बहुत शक्ति होती है। तो आप सबके साथ में हमको भी बहुत अच्छा आपकी एनर्जी मिल रही है। अभी हम सब मिलकर के आज का जो सेशन है, बाबा की जो बातें हैं वो आपस में करेंगे। स्पेशली स्पार्क की तरफ, मतलब स्पार्क में जो भी एक्टिविटी होती है उन उस हिसाब से ही कर रहे हैं ना बाबा क्लास? स्पार्क के सब अलग अलग एक्टिविटी होती है। यस जी। तो जब रूपा बेन ने बताया कि कुछ ऐसे पुरुषार्थ के हिसाब से करना है, और स्पार्क में विशेष जिन बातों का अभ्यास हम मिलकर के करते हैं उसमें से कुछ हमको कराना है, तो स्पार्क में मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहां पर वो एक ऐसा बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है हम ब्राह्मण के लिए, कि जिसमें ज्ञान की बहुत अच्छी गहराई में और योग की बहुत अच्छी शक्तियों का दोनों भी हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये एक अपना अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है स्पार्क का। तो आज का विषय जो मना है, रियलाइजेशन या महसूसता की शक्ति। तो आप सबको जब वो टॉपिक मिला तो नेचुरली हम सभी समझते हैं, तो बाबा ने काफी बार इस पर बताया हुआ है, लेकिन जब हम बहुत व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जब इसको लेते हैं कि मुझे क्या करना है, तो इसमें और अच्छा अनुभव होता जाता है। रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस फर्क है ना, यह कि है फर्क है ना, एक्सपीरियंस अनुभव करना, रियलाइजेशन महसूस करना। तो रियलाइजेशन जो होता है वो हमारी प्रैक्टिस होती है, और एक्सपीरियंस हमारी जमा पूंजी हो जाती है। जैसे कि वो अनुभव जो है ना, वो जैसे हमारा जमा हो गया। रियलाइजेशन अर्थात जब अनुभव को पाना है, एक्सपीरियंस को पाना है, तो हमें रियलाइज करना पड़ता है, रियलाइजेशन में जाना होता है। और हमारा जो ये ब्राह्मण जीवन है, बाबा ने हमें जो जीवन दिया हुआ है, हमें इस जीवन में आकर के जो भी कुछ पाना है उसका माध्यम, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ महसूसता है। क्योंकि हम जो महसूस करते हैं और उससे जो अनुभव हमको मिलता है, तो जितना हमारा अनुभव है उतना ही हमारा अपना खुद का ज्ञान होता है। अगर ऐसा होता है कि हम बहुत सुनते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा हमको ऐसे माध्यम मिले हैं जिसके आधार से हम बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि अगर उसमें हम, अगर हम सिर्फ वो सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं या बहुत कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो ये सिर्फ हमारे लिए जस्ट एक इंफॉर्मेशन ही रह जाती है, या एक जस्ट एक जानकारी रह जाती है, अगर उसमें हमारी ये दो बातें नहीं। क्योंकि हम 100% सुनते हैं जो भी कुछ हो, चाहे इवन बाबा की मुरली ही क्यों ना हो, या फिर कोई बहुत विशेष क्लास भी क्यों ना हो, हमको ऐसा लगता है कि हाँ आज की मुरली बहुत अच्छी थी, आज का क्लास बहुत अच्छा था, तो ये एक उस समय का वातावरण का, वाइब्स का एक हमारे ऊपर एक अच्छा असर आता है। लेकिन वही जो फीलिंग है वो 4 घंटे बाद, 8 घंटे के बाद सेम हमारी कितनी रहती है? तो वो जस्ट हमको जो अच्छा अच्छा, मतलब हम जो भी कुछ सुनते, एक होता है जानकारी इंफॉर्मेशन, लेकिन दूसरी चीज होती है उसको अपनाना। और उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम अपनाते हैं, तो उसका एक ही कारण या एक ही आधार होता है, रियलाइजेशन अर्थात महसूस करना। महसूस करना जस्ट एक प्रक्रिया है, एक मेथड है, कि जहां पर हम हर बात को उसकी टेस्ट लेने के लिए, उसका सुख लेने के लिए, वो जो फील करते हैं, रियलाइज करते हैं, थोड़े टाइम के बाद हमारे लिए वो एक एक्सपीरियंस या अनुभव होता है।
और बाबा ने अभी जब हम परसों सॉरी आपके लिए कल होगा ना, कल बाबा मिलन जब हम कर रहे थे तो बाबा मिलन में बाबा की जो मुरली थी ना, तो बाप दादा यही हमको बता रहे थे कि बच्चे आप जो संगम युग पर अनुभव कर सकते हो वो आप बाद में कभी नहीं कर सकते। नहीं, बाद में बाबा ने कहा अब नहीं करेंगे तो फिर आप कब करेंगे, क्योंकि बाबा खुद जानता है कि उसकी टेस्ट या उसका रस, उसकी मतलब उसका आनंद क्या है। और बाबा हमको वही बताते थे कि बच्चे अनुभव, एक बार हमको किसी भी बात का एक बार अनुभव हो गया तो वो हमेशा के लिए हमारी अपनी चीज हो जाती है। इसीलिए कहा गया जितना हमारा अनुभव है उतना ही हमारा क्या है, एक तरह से ज्ञान। और इसीलिए फिर अनुभव होने के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, फिर अगर हम किसी को अगर हम कोई बातें सुनाते हैं, उस बताने में एक अलग ही तरह का अलग ही तरह की एक शक्ति होती है ना। तो रियलाइजेशन पावर माना महसूसता की शक्ति, तो इसके ऊपर बाबा की बहुत मुरलियां चली हुई है, इस पॉइंट्स के ऊपर बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई हुई है। लेकिन आज हमको जो हम आपस में थोड़ा टाइम है, तो हम जब एक बार एक भट्टी अटेंड कर रहे थे, उस भट्टी में हमको ये बहुत अच्छी तरह से कराया था संगठन में, और वो इतना उसको 3-4 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं वो मना बहुत अच्छा याद आता है कि कितना अच्छे से हमने वो एक एक चीज रियलाइज की थी, अनुभव की थी। तो आज हम जो ले रहे हैं, एक मुरली है, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं उसको। इस मुरली की तारीख है 25 अगस्त 71। तो ये मुरली को हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु वो मुरली का बहुत अच्छा इस बात के लिए रेफरेंस है कि 25 अगस्त 71 जिस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को एक ऐसी बात कही कि जब हम, क्योंकि आज का जो हमारा संगठन है लगभग हम सभी बाबा के अभी बहुत पुराने समझदार अनुभवी बच्चे बन गए। जो नए नए आते हैं वो जस्ट कोर्स कर लेते हैं, तो जब हम बाबा के घर में आते हैं तो हमारा पहले कोर्स हुआ ना, पहले तो हमको 7 दिन बुला करके क्लास कराई और एक एक पाठ पक्का किया, और वो क्लास होने के बाद हम मुरली सुनते हैं, नहीं तो मुरली को अलाउ नहीं करते ना जल्दी, तो पहले तो कोर्स करना होता है ना। तो हम सबका कोर्स हुआ है, हम सबका कोर्स हुआ है, सभी का हुआ है। तो एक बार हमारा कोर्स हो जाता है और हम जब रेगुलर मुरली सुन लेते हैं, तो उसके बाद हम मुरली के साथ बाबा के, मुरली हमारे लिए बाबा का हाथ है, तो मुरली का हाथ पकड़ करके हम बस चलते। तो इसमें हमारे में शायद कोई होंगे, कोई ही होंगे कि जिन्होंने 1 साल होने के बाद अपने लिए 7 डेज क्लास की बुक खोली हो, अपने लिए। दूसरों के लिए जो खोलते क्लास कराने के लिए वो बात है, वो अलग है, कभी आप में से कोई होंगे जो दूसरों को कोर्स कराते हैं, लेकिन अपने लिए हमने फिर से अपना, जैसे कभी कभी हम जीवन में पुराने, अभी तो सारा फोन का है, लेकिन पहले तो कैमरे से फोटो खींचते थे और उसके फोटो कॉपीज आती थी और उसके एल्बम बनाए जाते थे, और एल्बम बना करके उसको पुराने सबके घर में ज्यादा करके एल्बम्स होंगे पुराने फंक्शंस के या मैरिज के या कोई, और वो 20 साल 25 साल 30 साल पहले के होते, पर वो एल्बम में होने की वजह से वो सेफ रहे, क्योंकि फर्क पड़ता ना, अभी कौन ये सब नहीं करता है एल्बम वगैरह बनाना इतना, अभी तो डायरेक्टली वो बन जाता है वीडियो आदि। लेकिन कभी कभी फुर्सत से जब हम बैठे हो और अगर हम अपना ही खुद का कोई पुराना एल्बम निकाल के बैठे और फिर जब हम वो देखना शुरू करते हैं, कभी तो किया होगा, तो फिर हम काफी समय के हिसाब से बहुत आगे आ चुके हैं, माना वो हमारे हाथ में जो एल्बम है वो पुराना है, उन दिनों की बात है ऐसा। अब आप हमारे कोई नातू या कोई बच्चे वगैरह हमारे साथ बैठे हो और उनके साथ अगर हम देख रहे होते हैं तो उनको बताते, देखो हम पहले ऐसे थे,
फिर हमारी ड्रेस अलग है, हमारा चेहरा अलग है, तो वो एल्बम होता है ना, जिसको हम कई बार बीच बीच में बहुत सालों के बाद जब हम खोलते हैं तो उस समय वो देखते देखते हम हमारी खुद की अवस्था या वो स्थिति क्या बनती है ना। हम आज प्रेजेंट टाइम में होते हुए भी हम नहीं रहते, बस हम वो देखते 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 वो जो भी वो फोटो के अंदर जो भी वो समय फंक्शन जो भी कुछ बातें तो उसके अंदर थी, हम उसमें ऐसे हो जाते हैं। तो हमारा बुक जो है ये क्लास का, जिसमें पहली बार जब हम आए थे तब वो बुक हमारे आगे रखी गई थी, और अभी मान लीजिए हम भले 6 महीने से आगे हो, 6 महीना हुआ हो, 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, या उससे भी हम पूरा, हमने अपने लिए वो बुक वापस नहीं खोली, या खोली भी होंगी, सॉरी खोली भी होंगी, लेकिन हम समझते कि हमारा तो कोर्स हो गया। ऐसा होता है ना, क्योंकि फिर उसके बाद हम आगे आगे की बातें पढ़ते। लेकिन भगवत गीता या बाबा ने जो कहा ना, हमारा पहला और अंतिम पाठ वही रहेगा। इसलिए भगवत गीता के शुरू में भी वही बातें हैं, मन मना भव, और उसके लास्ट में जब पूरा होता है सारा, उसमें भी वही बात है, मन मना। और अगर हम सर्कल की बात करें, जब हम सर्कल निकालते तो सर्कल पूरा कहाँ होता है, जहां से वो शुरू होता है, जहां से हम ऐसे करते तो वहां पर ही जाके पूरा होता है। तो इसका एक वो थीम बट्टी जब हम कर रहे थे तो उसका नाम था बैक टू बेसिक, माना फिर से वही आ जाओ। अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको फिर से कोर्स करना है या हमको फिर से, तो आज भी हमको कोई भी वो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको सब पता है ना, जो भी बेसिक क्लास हमारी हुई ना, आत्मा परमात्मा याद है ना सभी को, तो उसमें अगर हमको पूछेंगे बताओ हम इसमें कितने जन्म लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन जिस बात की शुरुआत हमने की थी कि क्या वो हमारे लिए जानकारी है, क्या वो हमारे लिए ज्ञान है, या वो हमारे लिए विजडम बन चुका है ना। तो रियलाइजेशन की जो बात है, तो वो जो मुरली है 25 अगस्त 71 की, उसके अंदर बाबा ने वो बात बता दी कि बच्चे आप 7 दिन का कोर्स ना रियलाइज करो, रिवाइज नहीं, रियलाइज, है ना। तो थोड़ा सा हम उसकी पॉइंट्स पढ़ते हैं और फिर आप सुनना और बाद में फिर ये कर सकते हैं। सुनाई, ये मेरे हाथ में है, सुनाई वो, ये एज इट इज बाबा के माँ बाप के एज इट इज है, तो वो आपको सुनाते हैं। और उसके अंदर माना बाबा की वो मुरली के सिर्फ उतने ही पॉइंट्स जो है ना हमने अलग से निकाले हैं, और बाबा पूछते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, हम सुनेंगे और सुनते हुए गहराई से बाबा क्या कह रहे हैं, भले आप नोट नहीं करना, लिखना नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से उसको ध्यान से सुनते हुए उसका मीनिंग या उसके पीछे बाबा आपको क्या समझाना चाहते हैं वो जस्ट हम चेक करें, करें ओके। उस मुरली का जो सार है वो है अपनी मूल सात कमजोरियां। बाबा ने उस मुरली में हम बच्चों के अंदर कौन सी कमजोरी है ना वो 7 बताई है, 7। अपनी मूल 7 कमजोरियों को मिटाने की युक्ति, 7 दिन का कोर्स, 7 दिन के कोर्स का फोर्स, बाबा ने उसको कहा फोर्स। फिर अब बाबा बताते जा रहे हैं और हम सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और हम चेक करते जा रहे हैं। हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके और उसका आंसर हम अपने दिल से अपने आप को दे सके। उसका आंसर हमें अपने आप को देना है और बाबा को देना है। तो ये मुरली का सार पढ़ा, अपनी मूल 7 कमजोरियों को मिटाने की युक्ति
सात दिन के कोर्स का कोर्स। तो बाबा क्वेश्चंस पूछते हैं, जब से ज्ञान ही आए हैं, चाहे जितना भी टाइम हुआ, 6 महीने हुए हो, साल हुआ, जो भी, जब से ज्ञान में आए हैं, अपने मूल लक्ष्य पर ध्यान है? मूल लक्ष्य है बाप समान संपूर्ण बनना। हमारा मूल लक्ष्य है बाप समान बनना। तो जब से ज्ञान में आए हैं, अपने मूल लक्ष्य पर ध्यान है? तो अगर लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, पहली बात आती है कि क्या हम उस लक्ष्य को अब पकड़ के चल तो रहे हैं ना, कि जो भावना से हमने बाबा का हाथ पकड़ा है और जिस संकल्प से हमने ज्ञान को अपने जीवन में कंटिन्यू किया, जिस निश्चय से हमने अपने जीवन को उस तरह से बना दिया, तो अगर लक्ष्य है तो हर दिन मुरली के बाद कौन सी विधि अपना कर विधि से सिद्धि अनुभव करते हो? हर दिन मुरली के बाद, रोज हम मुरली सुनते हैं, तो मुरली के बाद कौन सी विधि अपना कर विधि से सिद्धि अनुभव करते हो? तो अगर विधि पूर्वक पुरुषार्थ है, अगर विधि पूर्वक पुरुषार्थ है, तो स्थिति की वृद्धि अर्थात इम्प्रूवमेंट लगती है। क्योंकि अगर हम विधि से कर रहे हैं तो विधि है तो सिद्धि है ही, वो वर्ड ही ऐसे वर्ड है ना, बाबा के ज्ञान में जो वर्ड बने हैं, विधि से सिद्धि, योगी बनो, पवित्र बनो, लव और लॉ, ये ट्विन वर्ड्स हैं, हमें इसकी भी लिस्ट निकालनी है। तो बाबा ने कहा जहां विधि सही है वहां सिद्धि भी होगी। तो विधि पूर्वक पुरुषार्थ है तो स्थिति की वृद्धि अर्थात इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट है, अब सिद्धि अर्थात सर्व प्रकार से पुरुषार्थ में सफलता और श्रेष्ठता कहां तक है? बाबा बराबर सीक्वेंस से लेके जा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा सिद्धि अर्थात, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसकी हमको प्राप्ति तो होनी ही चाहिए, तो सिद्धि अर्थात सर्व प्रकार से पुरुषार्थ में सफलता और श्रेष्ठता कहां तक है? इस सिद्धि से अपनी विधि पूर्वक पुरुषार्थ को परख सकते हो। इस सिद्धि से अपनी विधि पूर्वक पुरुषार्थ को परख सकते हो। फिर बाबा ने आगे कहा, संपूर्ण बनने में मुख्य 7 कमजोरियां विघ्न रूप है। रियलाइजेशन का चल रहा है ना हमारा सेशन, इसीलिए बाबा हमको कहते इन बातों को हमें समझना है। संपूर्ण बनने में मुख्य 7 कमजोरियां विघ्न रूप है, जिसको इस भट्टी में खत्म करने का लक्ष्य रख। तो वो 7 पॉइंट्स कौन से हैं? बाबा ने हमारे अंदर की कौन सी 7 बातें चेक की है और हमको बता रहे हैं। पहली, एक तो स्मृति में समर्थी सदा नहीं रहती है। बाबा ये चेक करते, स्मृति में समर्थी सदा नहीं रहती है। दूसरा, सदा दृष्टि में दिव्यता या अलौकिकता, दृष्टि में दिव्यता या अलौकिकता यथाशक्ति नंबर वार आई है। तीसरा, सदा वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण, सदा वृत्ति में विल पावर ना होने के कारण
वृत्ति एकरस ना होकर चंचल होती है। इसका कारण क्या है? वृत्ति में विल पावर क्यों नहीं है और चंचल क्यों है, वृत्ति चंचल क्यों है, उसका कारण और निवारण सोचो। फोर्थ है, सदा निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार भिन्न भिन्न रूप से देह अभिमान, काम, क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता है। फिर से सुनना है, सदा निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण देह अभिमान या काम क्रोध का, ये तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवा है, सदा संगठन में रहते, संपर्क में आते, वायुमंडल और वाइब्रेशन अपना इंप्रेशन डालता है हम पर। संगठन में आते हैं, जिनके भी संगठन रूप में हम रहते हैं, तो बाबा का तो बहुत अच्छा ही रहता है, पर कभी कभी लौकिक में भी होता है ना, कहीं बाहर भी जाना होता है, तो कई बार होता है कि उनका इंप्रेशन या उनका असर हो जाता है। सदा संगठन में रहते, संपर्क में आते, वायुमंडल और वाइब्रेशन अपना इंप्रेशन डालता है। उसमें क्या बाबा सब और क्लियर करता है, जैसे हर एक के बोलचाल करने की जो तरीका होता है, सबका अपना बोलने का तरीका होता है ना, तो हर एक के बोलचाल का तरीका या किसी के गुण या अवगुण का हमारे ऊपर इंप्रेशन आता, किसी के बात करने के तरीके से, किसी के अवगुण से, किसी के गुण से, ऑल ओवर बाबा ने कहा कि हमारे ऊपर उसका इंप्रेशन असर आता है। सिक्स, निरंतर अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण, निरंतर अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी या बुरी बातों की फीलिंग्स में आने से फेल हो जाते। तो अभ्यास की कमी भी बताते हैं और उसके कौन सा अभ्यास से क्या हो रहा है और क्या कमी आ रही। तो फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण फीलिंग आती। तो देखो, ये योग का अभ्यास है और प्रैक्टिकल में ये होता है, तो बाबा ने कहा उससे फीलिंग में आने से फेल हो। और सातवां लास्ट है, अपनी याद की यात्रा से संतुष्टता कम है। हम बाबा कहते हैं अपनी योग का चार्ट या याद की जो यात्रा या उस योग की क्वालिटी, तो उससे संतुष्टता कम है। मतलब ये क्वेश्चंस है, कम है ऐसे, अगर कम है या अगर हम अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट नहीं है तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। तो ये सात बातें, माना हमारी बाबा ने कहा सात कमजोरियां जो हमारी ज्ञान योग धारणा सेवा इनसे रिलेटेड है, वो बाबा ने वो बात बताई। अब इन सात बातों को मिटाने के लिए क्या करना होगा, इन सात बातों को मिटाने के लिए फिर से अपने आप को सात दिन का कोर्स कराना है। सात बातों को सामने रख कर सात दिन का कोर्स जो आप औरों का कराते हो, वो अपने आप कराना नहीं, रिवाइज नहीं, सात दिन का कोर्स जो आप औरों को कराते हो, वह अपने आप को गहराई से रियलाइज कराना। तो जैसे कहा ना एल्बम की बात, हर दिन के कोर्स से
तो उस कोर्स में जो एक एक लेसन है जो हमने किए ना, आत्मा का, तीन लोग का जो आगे हम बताएंगे, तो हर दिन के कोर्स से अपने में फोर्स बनना है। फोर्स में ये चेक करना है कि रिवाइज करने के बाद मैं अपनी जीवन में पुरुषार्थ में नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव कर रहा हूं। सबको मना में हम जो पढ़ रहे हैं वो सबको क्लियर हो रहा है ना, बाबा जो बातें बता रहे हैं क्लियर हो रहा है? ठीक। तो बाबा ने कहा फोर्स में क्या चेक करना है कि हम अपने आप में डे बाय डे किस तरह से अपने अंदर वो फोर्स माना नवीनता, न्यूनेस और पावर, शक्ति बढ़ने का हम कितना अनुभव कर रहे हैं। हर रोज अमृत वेला एकांत में 7 कमजोरियां जो सुनाई उसमें हमें देखना है कि मेरे अंदर कौन सी है या कौन सी नहीं भी होगी। तो अमृत वेला एकांत में 7 कमजोरियां सुनाई, उन पर एक एक बात का निवारण कैसे हर दिन के पाठ में समाया हुआ है। कौन से पाठ? कोर्स में जो हमने किया, तो बाबा कहते हैं कि वो स्टार्ट में हमने क्लास की और बाबा फिर से हमको वहीं पर कहते बच्चे ये गहराई से चेक करना कि कैसे हर एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया हुआ है, ये मनन करके मक्खन निकालना, ये मनन करके मक्खन निकाल। तो सब कमजोरियों से बाहर आने का प्लान बनाना, फिर एक एक मास एक पाठ की प्रैक्टिस करो, एक एक मास एक एक पाठ की। मतलब हमने वो जो बेसिक क्लास जब हमने किया तो एक पाठ एक दिन में था, रोज एक एक पाठ, आज पहला लेसन कल दूसरा, तो 7 दिन में 7 क्लास हो गए। बाबा हमको एक पाठ को कितना टाइम दो देते हैं? बाबा हमें एक पाठ को कितना टाइम देने के लिए कहते हैं? एक पूरा मास, 1 मंथ, हर लेसन के लिए 1 मंथ। तो बाबा ने कहा उसका प्लान बना, जैसे आप एक एक गुण का सप्ताह मनाते हो ना सेवा में, इससे सफलता समीप, सहज और स्पष्ट दिखाई दे। तो सफलता के आधार से श्रेष्ठ बनने के बाद मन वचन कर्म में महानता लाने के लिए अपने में इस पुरानी सृष्टि में पुरानी शरीर में मेहमान समझकर चलने का कहां तक अभ्यास है। धर्म स्थापना अर्थ आए हैं और फिर चले गए, ये चेकिंग सदा रहता है। तो सदा मनसा वाचा कर्मना महान बनने के लिए महान अंतर सदा स्मृति में रहता है। तो ये जो बाबा के पॉइंट्स हैं ना वो सारे अलग अलग पार्ट से हैं। जैसे अभी ये अपने को मेहमान बन करके मेहमान की स्मृति में रखना, ये हमको चेक करना है कौन से पार्ट से कनेक्टेड, कौन से पार्ट से कनेक्टेड है। तो बाबा ने कहा महान अंतर सदा स्मृति में रहता है, जैसे श्रीमत मनमत, गुण अवगुण, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, पवित्रता अपवित्रता, संतुष्टता असंतुष्टता, तो इनमें अंतर है ना, दोनों अपोजिट वर्ड्स है। तो बाबा कहते इसको हम अपनी बुद्धि को समझाएं और जब अंतर स्पष्ट आता है तो नेचुरली मन बुद्धि उसको रिजेक्ट करेगी कि ये मेरे लिए सही नहीं। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि 7 दिन का ये रियलाइजेशन कोर्स है जो हमने आपके आपसे शेयर की है बात। तो सभी को इसका मीनिंग समझ में आया ना कि जैसे बाबा को रियलाइज का जो आज का सेशन है, तो
हमको इसमें ये नहीं करना है कि रियलाइजेशन पावर के बारे में एक्सप्लेन करें, रियलाइजेशन महसूसता क्या होती है, कैसे होती है, वो सबको हमको पता है। हमको प्रैक्टिकली हमको उस चीज को अपने अंदर हमें आज प्रोग्राम करना है कि हमको कैसे इसके बारे में थोड़ा सा इस समय अभ्यास बढ़ाना है। तो आपका ये जो अभी तक सुना, तो इसके आप सभी पॉइंट शेयर करेंगे या आपको आपके आप अपनी तरफ से ओपिनियन बताएं? यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, शेयर करना चाहे कोई तो कर सकते। हाँ, तो उसके बाद फिर अगला अभ्यास है, अगला जो है करना है वो आगे करेंगे। अभी 2 मिनट आप सभी अपनी बात शेयर कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, आपने इस बात को क्या समझा है, किस प्रकार से समझ के लिया है, जो भी आज के पॉइंट को लेकर के आप बताइए। सो आई डिड द 7-day कोर्स मी एंड माय हस्बैंड एंड हमने किया था कोर्स, सो वी स्टिल न्यू एंड स्लोली वी गेटिंग द अवेयरनेस, यू नो, एंड स्लोली अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, द birth cycle and everything. So the what you're reading right now, what it makes sense to us that you've done the 7-day course, you know, what difference has it made in your life so far? So far, you know, we feel more calmer in our lives through meditation, which we are trying to practice. It's not happening every day, but we're making the attempt to listen to Muri and trying to practice what Baba is teaching. Very good. Oh, new student the Baba ki bahut 1 month rachna banati 1 month. Yes. Oh. One month. I think so. Yes, 1 month work. बहुत वो वही कह रहे कि एक महीना ही हुआ है कोर्स को, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुद को वो महसूस कर पा रहे कि क्या सुना हम। बहुत अच्छा। तो बाबा ने वही कहा ना कि हमको रियलाइज कर, क्योंकि वो हो गया बेसिक। अब उसी चीज को बाबा ने कहा मक्खन निकालते हैं, तो ऐसे उसी में ही बहुत बाबा ने कहा फिर से वो किताब को देखो और फिर से उसको रियलाइज करो। एक होता है अभी सुना और एक होता है अभी उसी बात को रियलाइज करना। उसी से हमारी सारी जो भी वीकनेस है या जो भी बातें वो बाबा ने कहा स्ट्रॉन्गनेस में चेंज हो जाए। बहुत अच्छा। और कौन शेयर करेंगे? बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर एंड प्रैक्टिसिंग व्हाट बाबा टीचर्स एंड चेक डेली हाउ मच प्रोग्रेस आई एम मेकिंग इन माय लाइफ इन माय डेली थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स। ओम शांति। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप सभी हिंदी में शेयर करेंगे क्योंकि जो भी है जिनको नहीं समझता है इंग्लिश, तो थोड़े वर्ड्स उनको समझे। क्लियर हुआ? हरे ओम शांति। हरेक मुरली में बाबा हमें होमवर्क देते हैं और विधि से सिद्धि, ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि उस होमवर्क को हम कितना प्रैक्टिकल में लाते हैं, कितना चर्न करते हैं। और इफ पॉसिबल इस घंटे में आप अगर बता सकेंगे कि हर एक मुरली से मक्खन कैसे निकालना है। ओम शांति। बहुत अच्छा, थैंक यू। तो सभी को टॉपिक जो आज का है, क्योंकि वो बताने का और समझाने का टॉपिक है ही, नाम ही उसका रियलाइजेशन, तो इसीलिए हम इन बातों को लेकर क्या रियलाइज करते हैं। तो जैसे बात चल रही थी क्लास की, कोर्स की, तो मुरली में जब आप हमेशा हम जब मुरली सुनते हैं तो कई बार बाबा कहते हैं मुरली में कि बच्चे चित्रों के आगे बैठ जाओ, है ना, चित्रों के आगे बैठ जाओ। और ब्रह्मा बाबा का अगर हमने जो पूरा पुरुषार्थ हमने सुना है या पढ़ा है और जो हम बाबा के बारे में बड़ों से सुनते हैं, तो बाबा को ना बाबा चित्रों को लेकर बहुत अच्छे से बताते थे कि बच्चे चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए, दूर दूर से भी दिखनी चाहिए,
या कई बार बाबा कहते थे कि चित्र को देख करके नशा आता है, सबके पास लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। तो एक पॉइंट एक बार हम सुन रहे थे और हमें वो बात इतनी अंदर में क्लिक हो गई, या ऐसा लगा कि बाबा कहते चित्रों के आगे। तो हमने जो कहा ना एल्बम की, जैसा कि जब हम एल्बम देखते हैं तो हम अपने फोटो जब देखते हैं तो बहुत ध्यान से फिर से देखते हैं उस समय, क्योंकि सब फर्क पड़ता है कि नहीं 15-20 साल में। अगर हम पुराना एल्बम देख रहे हैं, उस समय हम कितने स्लिम थे, उस समय हम कैसे दिखते थे, अभी कितना फर्क पड़ा है। तो हम कहते वो टाइम हम कैसे थे, ये टाइम। तो ये जो एक रहता है ये हमारे क्लास में, अब हमको ये 7 दिन की क्लास में ये सब बाबा ने कहा कि बच्चे सारे सॉल्यूशन बाहर ही, हमें कहां पर भी बाहर की तरफ बहुत ही कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा वो आपको सब कुछ सॉल्यूशन वहां मिलेंगे, सिर्फ उसको हमको क्या करना है उस बात को रियलाइज करना। तो अभी हम जो वो 7 पॉइंट सुना रहे थे बाबा की पॉइंट्स, तो जस्ट हम एक 2 मिनट में सारा रिवाइज कराते हैं कि कौन सी बात का कहां कनेक्शन, कौन सी बात का कहां कनेक्शन। तो या आप भी बाद में कर सकते हैं कि अगर हम पहला पाठ आत्मा का, पहला लेसन है हमारा आत्मा, तो हमको 2 मिनट में हम आत्मा के बारे में सब बता दें कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, आई एम सोल, और हम यहाँ पे रहते हैं, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ पीसफुल सोल, हम 7 उसके जो नेचर हमारे हैं आत्मा का, पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, नॉलेजफुल, वो बताएंगे उसका। तो ये बताने में जैसी, और अगर प्रश्न पूछेंगे तो हम सब आंसर्स करेंगे अब, लेकिन उसी के इसमें हम चलेंगे कि हमने पहला पार्ट कितना पक्का किया। तो ये हम आज की क्लास में हम आपको वो पहले पार्ट का कराएंगे, लेकिन साथ साथ आगे का सारा पहले में बता देती। दूसरा जो होता है परम, 3 लोक का चित्र है, 3 वर्ल्ड्स। तो उसको आप हम अगर सामने रखते हैं तो उसको लेकर हम अभी तक भी कितना अभ्यास कर, बाबा ने कहा गर्व को याद करना, उसमें योग की कितनी सारी पॉइंट्स आती है। ये जो कहा ना कि अपने को मेहमान समझो, वी आर गेस्ट, है ना, तो अपने को मेहमान समझो, कब समझेंगे, जब हमको अपने घर का पता हो कि मुझे वहां जाना है, मेरा घर वहां है। तो हमने ये तो समझ लिया कि आत्मा का स्थान है, रहने का घर है वो परम धाम शांति, पर बाबा अब भी कहते बच्चे तुम घर को याद, घर को याद करना, घर के रीति से याद कि वो मेरा घर है, फीलिंग, जैसे कोई घर से बाहर बहुत दिन रहता है ना ट्रैवल में, टूर पे कहां होते हैं, तो कहते कि घर भी कब घर में पहुंचेंगे, अपने घर में ही आ रहा हूं, अपने घर में अच्छा लगता है, आखिर अपना घर अपना घर होता है। ये जो हम सभी को समझता है वो अपने बाबा ने जो बताया वो घर को लेकर के मैं कितना, मुझे कितनी उसकी खींच है, हमें उसके बारे में कितना अट्रैक्शन होता है कि मेरा वो घर है। मैं जो धरती में दुनिया में ढूंढता हूँ, पीस चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, या अंदर में शक्ति चाहिए, बाबा ने कहा हुआ है मुझे घर को याद। और अगर हम उस घर को अभी भी देखो, अगर हम उस घर को याद करते, हमारा घर कैसा, बस याद करो मेरा घर कैसा, पहली चीज भी फीलिंग कि वो घर, उसके नाम बहुत है, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, शिवालय, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, बहुत सारे, बट स्वीट होम मेरा घर है। और इतना ही अगर हम होम, स्वीट होम इस वर्ड को अगर हम बहुत प्यार से रियलाइज करते और अपने आप को वहां ले जाते, तो वो घर की फीलिंग, ऐसा वो मेरा ऐसा घर है जहां चारों तरफ बहुत डिवाइन कलर, मना बहुत प्यारी सी रोशनी, वहां का वातावरण, एटमोस्फियर जिसको आप कह सकते, वाइब्रेशन, साइलेंस है, प्योर है, जैसे वहां पर अगर हम 1 मिनट भी अगर रहेंगे ऊपर योग में,
तो भी हमको कितनी चार्ज हो जाती है सो। हमारा घर है, वहां पर हमारा बाबा है, तो हम घर होने के बाद भी हम वहां पर कितनी बार जाते, कितनी बार राउंड लगाते हो अपने, जैसे घर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है, तो अगर वो घर है तो मेरे मन को वहां का अट्रैक्शन होना चाहिए, न कि यहाँ। तो जैसे वो रियलाइजेशन में आ जाते हैं, रियलाइजेशन में जाते हैं कि वो घर है, और बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे घर को याद, घर को मत भूलो, कहा ना बाबा। ऐसे ही अगर हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं, तो हमारा परमात्मा का, भगवान का परिचय होता है ना, हु इज गॉड। तो हम परमात्मा के बारे में, गॉड के बारे में हमने सुना कि वो एक है, निराकार है, लेकिन वो मेरे पिता है। उस तो उस पहले दिन जब दूसरे दिन हमको करा रहे थे तो हमको बताया कि परमात्मा, लेकिन वो मेरे है, मेरा बाबा है, और उनके अंदर सारे गुण है, तो उसको रियलाइज करना कि जो उनका है वो मेरा, जो उनका है वो मेरा है, बात खत्म। तो मुझे तो वो बात में कोई भी तरह से कमी नहीं लगनी चाहिए। बाबा कहते आप उस अधिकार से रियलाइज, उसके आगे का जो लेसन हमने सीखा त्रिमूर्ति का, ब्रह्मा विष्णु और शंकर महेश, वो उसमें बाबा हमको बताते बच्चे इसको रियलाइज कि हम ब्रह्मा, बाबा की बात तो है पर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना है। तो बाबा ने कहा था कि एक अभी इस हफ्ते 15 दिन की मुरली में किसी में आया था स्लोगन कि बच्चे मन में ब्रह्मा के रूप, मतलब मन में समर्थ संकल्पों की रचना हो, अपने मन में बहुत पॉजिटिव पावरफुल और बहुत प्यारे प्यारे जिन विचारों से, जिन थॉट से हमको बहुत बहुत अच्छा फील होगा, हमें ऐसे थॉट्स को जन्म देना, क्रिएट करना। उसको बाबा ने कहा ब्रह्मा की तरफ है ना। तो हम क्रिएट कितना करते हैं, हम अपने आप को, अपने मन में ऐसे थॉट्स की रचना कर, क्रिएट कर। जैसे एग्जांपल ख्याली पुलाव नहीं होते हैं वो, लेकिन ऐसे ऐसे थॉट्स जो हमारे बाबा से कनेक्टेड है, नॉलेज से कनेक्टेड है, उससे हमको वाइब्स या उस तरह की एनर्जी मिलती। तो जैसे समर्थ संकल्पों की रचना मीन्स क्रिएट द पावरफुल थॉट्स, तो वो कैसे, तो वो सोचने में हमको कई बार हम सोच के भी खुश हो जाते हैं। जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे आप स्मृति में खो जाओ, तो सभी बाबा मिलन तो करते ना, कल बाबा मिलन किया सभी ने, कल बाबा मिलन किया सभी ने, किया या नहीं किया, हाथ ऊपर करो, बाबा को देखा। तो जस्ट अभी मैं जस्ट आपको एक ही कुछ बात बता रही हूँ, आप जस्ट सुनते जाना अपने लिए। डायमंड हॉल है जो 22,000 लोगों से भरा हुआ है, पूरा उसमें क्राउड से, बाबा के सारे बच्चे हॉल में बैठे हुए और स्टेज पे दादी गुलजार दादी जी हैं, और उनमें बाप दादा आते हैं और बाप दादा वाणी चला, बाप दादा बहुत प्यारी वाणी के साथ साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। अब आपको मौका मिलता है, आप वहां हो, अपने आप को उधर देखो, अपने आप को अभी वहां पे देखिए, डायमंड हॉल में, भले आंख बंद करके भी आप विजुअलाइज करो तो भी चलेगा कि वो सीन है, डायमंड हॉल है, क्राउड है, बच्चे बहुत है बाबा के, और बाप दादा सामने बैठे हुए है सदगी पे, और हम भी वहां है, मतलब आप ब्राह्मण आत्मा वहां है, और हमको चांस मिलता है स्टेज पे जब आप एक सीढ़ी, वो स्टेज की सीढ़ी पता है ना बीच वाली, वो सीढ़ी चढ़ते 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 ऊपर जाते हैं और एकदम बाप दादा के आगे सारे लोग हमको देख रहे हैं, सारे ब्राह्मण हमको देख रहे हैं, अरे ये दीदी, ये बहन, ये माता, ये सिस्टर स्टेज पे गई बाबा के पास, और एकदम बाबा के एकदम आगे बाप दादा की, और बाबा अपने सॉफ्ट, बाबा के हाथ बड़े सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट बाबा के हाथ है, और उन्होंने हमारा हाथ रखा,
और बहुत प्यार से दृष्टि दिया और हमको स्पेशल टूल ही दिया, हमारे माथे पे हाथ रखा, डेमोन, तो अच्छा लगेगा, सोच के भी अच्छा लगता है, नहीं लगता? हाँ, ये कहेंगे इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें कुछ नहीं, जस्ट थिंक कि ऐसा हो रहा है कि मैं बाप दादा को डेमन हॉल में इतने हजारों ब्राह्मणों के आगे बाबा ने मुझे ही बुलाया कि बच्चे आओ, और हम बाबा के बुलाने पर गए और बाबा ने मुझे, बाप दादा ने हमें बहुत प्यार, तो सोच के भी अच्छा लगता है, नहीं लगा ना? तो ये है समर्थ संकल्पों की रचना करना, अर्थात उस वो ऐसी प्योर पावरफुल लवफुल थॉट्स को जन्म देना, क्रिएट करना, कि अपने आप को हम वो कुछ ना होते हुए भी हम अपने आप को उसमें रियलाइज करा करके वो एनर्जी तो सच्ची आई कि नहीं। अभी आप सभी ये चेक कर सकते हो कि ऐसे कुछ अभी हम सब अपने अपने स्थान पर बैठे, लेकिन जस्ट अगर हमने, आप सभी ने अगर 100% वैसा ही परफेक्टली किया कि सचमुच हम बाप दादा के आगे डायमंड हॉल में मधुबन में बाबा को मिल रहे हैं या दादी को मिल रहे हैं, अगर इतना भी सोचा तो वो बात हुई नहीं है, परंतु हमने जस्ट अंदर में सोचा तो उसकी फीलिंग तो सच्ची थी या नहीं? उसका हैप्पीनेस, वो बाबा मेरे को देख रहा है, वो जो इमोशंस क्रिएट हुए, वो जो फीलिंग थी, वो तो सही थी ना? तो वो सोच के पूरा हमको इधर अंदर में एकदम से एक हैप्पीनेस या बहुत अंदर में प्यार आता है, हाँ, तो वो ना भी हुआ, लेकिन हमारे सोचने के साथ, रियलाइजेशन के साथ, वो उस तरह की एनर्जी, उस तरह का वाइब्रेशन हमारी आत्मा और शरीर दोनों में भी आ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है रियलाइजेशन, क्योंकि जिस घड़ी हम रियलाइज करते हैं, पैरेलली उसी टाइम पर उससे कनेक्ट वाइब्रेशंस, एनर्जी हमारी सोल्स और बॉडी दोनों में भी इंक्रीज होती और वो रह जाती। तो ये बात हम कहां बता रहे थे? त्रिमूर्ति ब्रह्मा बाबा के बारे में। जब हम विष्णु का वो देखते हैं, जिसको बाबा कहते अलंकार धारी, तो वो उस चीज को देखना है कि ये हमारा कल का ड्रेस होगा। बाबा कहते ना, राजा ही को याद करो, रियलाइज, स्वर्गम को याद करो। तो कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो बाबा हमको तीन बातों को याद करने के लिए कहता है। तीन बातें कौन सी? मुरली में बाबा तीन को ही याद करने के लिए कहते हैं, तीन को। कौन सी तीन बातें, कौन सुनाएगा? हाँ, ड्रामा, ड्रामा, आत्मा, हाँ, परमात्मा और ड्रामा। हाँ, ओके, बहुत अच्छा। एक चीज मिस हो रही है, वो कौन सी है और किसको याद करना है? बहुत अच्छा, ड्रामा को। बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान हमें बुद्धि में रखना है, पर और कौन सी तीन बातें हैं जिसको हमें याद करना है? तो एक तो बाबा के वर्षा, वर्षा स्वर्ग का, वर्षा, हाँ, स्वर्ग बिंदी, हमारे याद करो, और बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी और आत्मा बिंदी, तीन बिंदी हो गए। बाबा मुरली में एक तो कहते हैं बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, और तीसरा घर को याद, है ना? ये तीन को, तीन के लिए बाबा के। तो उसमें से वर्षे को याद करना या स्वर्ग को याद करना, तो इसमें भी वही बात आती है कि उसके हम कितने भी पॉइंट्स रियलाइज रिवाइज करेंगे तो वो जानकारी ही रह जाए, पर रियलाइज करना है तो मतलब आप स्वर्ग को या बाबा जो मुरली में कहते हैं वर्षे को याद करो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पॉइंट्स निकालेंगे कि कैसे याद करेंगे। तो हमारे पॉइंट्स हम याद करते हैं, हाँ वहां पे महल होंगे और वहां पे हम 16 कला संपूर्ण होंगे, वहां संपूर्ण पवित्र होंगे, वहां पे ये जो भी हम पॉइंट्स याद करते, उसके बजाय एक सिंपल सिंपल बातें आपको पूछनी है या हम शेयर करेंगे आपस में। जैसे यहाँ और वहां चलता है ना लोगों का, यहाँ और वहां, हमारे यहाँ और आपके,
अगर हम स्टेट को चेंज करते हैं, कंट्री को चेंज करते हैं, मान लीजिए हम बहुत समय से कोई अपनी जगह पे रह रहे हैं और कहां पे दूसरी जगह पे जब जाना पड़ता है, तो नेचुरली ना उनकी सभी बातों को, सिस्टम को, चीजों को, खाने पीने को, ये सबको देख करके ना हमारे यहाँ और आपके यहाँ आ जाते हैं नॉर्मली। कहते अच्छा आपके यहाँ चावल ऐसे बनाते क्या, हमारे यहाँ ना ऐसे बनाते, अच्छा आपके यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, होता है कि नहीं? यहाँ और वहां क्लियर ना, हेयर एंड देयर ना, तो यहाँ और वहां माना यहाँ ये हमारा ये बाबा कहते पुरानी दुनिया है और वहां मतलब हमारी नई दुनिया। तो अभी हम अपने ही घर का देखेंगे, आप सब अपने घर का देखेंगे, तो यहाँ हम कैसे तैयार होते सुबह नहा धोकर के जब हम तैयार होते तो ड्रेसिंग टेबल अपना, सिर्फ ड्रेसिंग टेबल यहाँ का ड्रेसिंग टेबल है जिसके ऊपर क्या सारा सामान अपना अपना होता है, फॉर्म है या बाकी सारी चीजें, पाउडर है, क्रीम है, किसी के स्पेक्स है, किसी के दांत भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे ड्रेसिंग टेबल पे यहाँ ये सामान रोज ही करते हैं, रोज ही उठ करके वही करना है, तैयार होना है, ये सब। वहां का ड्रेसिंग टेबल मेरा कैसा हो, वहां का ड्रेसिंग टेबल, वहां माना कहाँ का, सतयुग का, हमारा अपना। तो देखो आपका मिरर क्या होगा, बताइए वहां का ड्रेसिंग टेबल का सामान बताओ बस। ज्वेलरी होगी, यहाँ पे नहीं होती। देखो यहाँ पे इतने पहन भी नहीं सकते, हमारे ज्वेलरी 16 श्रृंगार होगा। ओके हाँ जी, और क्या होगा, और ड्रेसिंग टेबल पे क्या सामान होगा, यहाँ देखो ये स्पेक्स है, वहां पे बहुत सुंदर हमारे क्राउन्स होंगे, तैयार होंगे, तो ऐसे 16 पकवान होगा। ड्रेसिंग टेबल वो खाने के टेबल पर है, पवित्रता का ताज होगा, गुणों का श्रृंगार होगा। ओके बहुत अच्छा, अभी जैसे आप जिस ग्लास से पानी पीते हो, पानी रोज पीते ना, तो हर बार जैसे पानी के लिए ग्लास जो यूज करते हैं, यहाँ का आपका ग्लास कैसे, स्टील का होगा या कांच का होगा, जो भी वहाँ का सिंपल ग्लास को आप याद करो, यहाँ का ग्लास वहाँ का ग्लास सोने का तो होगा, कुछ डिजाइन भी अच्छी होगी, कार्विंग होगी। तो सोचो यहाँ ऐसा है वहाँ कैसा, यहाँ ऐसा है वहाँ कैसे का, यहाँ पे आप अपने गैलरी से बाहर देखते तो काफी सारे दूसरे मकान बिल्डिंग दिखेंगे, वहां भी हम कैसा, वहां किस प्रकार से। तो बाबा कहते यहाँ पे हम क्या खाते हैं, वहां पर हम क्या खाएंगे, यहाँ पे हम क्या पहनते हैं, वहां पर हम क्या पहनते, जस्ट यहाँ वहां, यहाँ वहां। तो ये जो नेचर है ना, हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ ऐसे होता है ना ऐसे। तो जस्ट बाबा कहते हर बात में छोटी छोटी बात, और ये बाबा ने मुरली में सिखाया हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने, कि बाबा कहते देखो मुरली में रोज हम जो मुरली सुनते हैं उसमें बाबा बस यही बात बता, बच्चे यहाँ देखो कैसे वहां क्या होगा। मुरली में हमेशा वहां शब्द को जरूर ऑब्जर्व करना, क्योंकि जब बाबा बताते हैं ना, तो जब यहाँ कुछ देखते तो कहते वहां ना ऐसे नहीं होगा, वहां ना ऐसे होगा, वहां ना ऐसे, जस्ट सिंपल एक शब्द, लेकिन उसके अंदर बहुत रियलाइजेशन, उस रियलाइजेशन में एक बहुत खुशी होती है। देखो अभी जैसे याद किया तो आप अपनी फीलिंग को चेक कर सकते हैं ना, कैसे लग रहा है कि वहां, यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, कोई बाइक पर, कोई कार, वहां पे तो मोस्टली कार होती है, यहाँ पे तो इंडिया में साइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सब होता है, वहां भी होती है, पर कोई ना कोई सेंटर पे जाने के लिए आपको क्या ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ कैसे जाते हैं आप, गाड़ी से जाते, कार से जाते, यहाँ तो गाड़ी से जाना, फोर व्हीलर में गिरा वहां पुष्प विमान। और हमने तो इस जन्म में तो विमान में से बैठे हैं, चलाया थोड़ी ना, लेकिन बाबा कहते वहां चलाएंगे हर एक चीज, हर संकल्प से चलेगा,
हाँ तो देखो, तो रियलाइज, तो बाबा कहते ऐसे आप अपने वर्षे को याद, पॉइंट इंफॉर्मेशन के हिसाब से निभाना, ऐसे 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 होगा, वहां पर ऐसे करेंगे, नहीं एक छोटी छोटी बातें हमको खुशी देती है। आप अभी सभी बैठे ना चेयर पर बैठे, तो चेयर ज्यादा से ज्यादा क्या है, या तो प्लास्टिक की चेयर है, या तो कोच होगा, या फर्निश बहुत अच्छे फर्नीचर वुडन के होंगे, जो भी कुछ है वहां की, वहां किस पर बैठेंगे, ऐसी चेयर थोड़ी ना होंगी वहां, सिंहासन होगा। देखो सिंहासन होगा, सिंहासन तो दरबार में होता है, रूपा में, घर में अपने फैमिली में कैसे होगा, सिंहासन मीन्स राजा का बैठने का, अपने सबके अपने अपने महलों में जाएंगे ना, हम एक दूसरे के पास तो जाएंगे ना, बुलाएंगे ना सब एक दूसरे को वहां, गोल्डन रत्न जड़ित चेयर होगी। हाँ तो सब अभी मत, इन्होंने सिस्टर ने याद किया कि मेरी चेयर क्या, मेरे चेयर में तो रतन जड़े होंगे, रतन जड़ित होगी हर एक चीज। जब हम इस तरह से रियलाइज करते हैं तो जस्ट चेक फीलिंग्स, फीलिंग को चेक करना कि मुझे कैसा लग रहा, तो रियलाइजेशन का यही मीनिंग है, क्योंकि जो हमें फील हो रहा है वो बात में अनुभव में पूरी तरह से ट्रांसफर होगा, और वो हमारी नेचुरल नेचर हो जाएगी, और हमको ऐसे अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना बाबा के देश में ये ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते थे ना, बाबा अपने श्री नारायण के चित्र को देखते थे, बाबा को इतनी खुशी होती थी कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा ऐसे कहते थे मेरा ड्रेस ना बस उस खूंटी पे लटका हुआ है, मुझे बस वो पहनना है, या जैसे मैं ही कल जाके कृष्णा बनूंगा, तो बाबा कभी कभी उस कॉन्शियस में इतने लीन हो जाते थे कि मैं श्री कृष्णा बनूंगा या मैं ये बनूंगा। तो बाबा इतने बुजुर्ग होते भी उनके अंदर वो बच्चे वाले वाइब्रेशंस, बच्चे वाला वो एक्सप्रेशन चेहरे पर आ जाता था, क्योंकि वो रियलाइज करते थे। सबको स्पष्ट हुआ ना? तो हम कहां थे अपने 7 days कोर्स में, टाइम तो हो रहा है, तो हर एक बात को इतना अपना, आगे जैसे सृष्टि चक्र का भी कोर्स आता है, हम उसको अगर ऐसे एल्बम की तरह खोल के बैठेंगे, एक क्वेश्चन हम खुद से पूछेंगे कि मैंने इस ड्रामा को, इस सृष्टि चक्र को, इस लॉ को मैंने कितना अच्छे से समझा हुआ है। तो जब हम अपने बेसिक कोर्स में जब हम वो लेसन कर रहे थे तो हमें बस जानकारी थी, बताया 5000 साल का ड्रामा है, 5 युग है, अभी संगम युग चल रहा है, फिर हम सतयुग में जाएंगे, 1250 वर्ष का युग है, वो अलग। अब मेरे लिए ये चित्र क्या मायने रखता है, अब मेरे लिए ये वर्ल्ड ड्रामा विल मेरे लिए अब किस तरह से वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बाबा उसको कहते बच्चे आपको इस सभी बातों पर कितना निश्चय है, आप इसके कितने सारे राज, सीक्रेट सिर्फ ड्रामा का सीक्रेट सिर्फ इतना नहीं है कि वो रिपीट होता है 5000 ईयर्स के बाद, बट उसके अंदर कितने डीप 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 ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं है। तो ये ऑल ओवर जो है वो है रियलाइजेशन। इसके अंदर जब सीढ़ी का चित्र आता है तो सीढ़ी के चित्र में हम, हमारे लिए अब बच्चे बाबा के पुराने बच्चे बनने के बाद जो सबको याद आ रहे हैं, जैसे जैसे बता, यहाँ भी कोर्स का किताब तो नहीं खोला बट जैसे बता रही हूँ, तो सीढ़ी का चित्र होता है ना वहां पर रूपा भी होता है, कराते एडवांस कोर्स में कराते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे 84 बर्थ्स का पूरा बताया हुआ है। तो बाबा उसको कहते हैं कि आपके 5 स्वरूप, तो वो बेसिक में हमने वो किया, लेकिन अब हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिस की चीज है कि हमारे 5 स्वरूप क्या है। तो 5 स्वरूप हमारे कौन से बताए जाते हैं, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। अगर हम इसको, इस चीज को प्रॉपरली, इस अभ्यास को करते, रियलाइज करते हैं, तो इस रियलाइजेशन में हमें क्या मिलता है वो जस्ट मैं आपको बताती हूँ। अनादि स्वरूप का जो अभ्यास है, जो आपको हम पहले ये सुना रहे थे ना, मुरली के पॉइंट सुना रहे थे,
तो उसमें बाबा ने फोर्थ पॉइंट में बताया था कि सदा निराकारी अवस्था का अटेंशन, ना उसमें पहले बताया हुआ था ये जो फोर्थ पॉइंट है कि उसमें निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण बाकी की जो भी कमी कमजोरियां है ना उसका वार हम पर होता रहता है। तो बाबा ने इस पॉइंट को कोर्स से कनेक्ट किया कि अपनी अनादि स्वरूप अर्थात अपनी निराकारी स्थिति का निराकारी अवस्था का अनुभव करो। तो अनादि स्वरूप ये सीढ़ी से चित्र है, सीढ़ी का चित्र है, तो इसमें अनादि स्वरूप से मिलती है कंप्लीट कंप्लीट हेल्थ। अनादि स्वरूप अगर हम परम धाम में अपने आत्मस्वरूप का अभ्यास करते हैं तो उससे हमको मिलती है कंप्लीट हेल्थ, क्योंकि जब हम वो अभ्यास करते हैं रियलाइज करते हैं तो हमारी बॉडी सेल्स में वो ऊर्जा वो पावर वो वाइब्रेशन आने लगते हैं जिससे शरीर भी निरोगी बनता जाता है, जिसको बाबा ने कहा योग से आयु बढ़ती है। तो ये बाबा ने पहला पॉइंट बताया, क्लियर हुआ इसका बेनिफिट और अभ्यास। दूसरा देवता स्वरूप आदि स्वरूप, तो अगर हम आदि स्वरूप को हमारे देव स्वरूप को रियलाइज करते जैसे कि अभी किया तो उससे मिलता है विजडम, विवेक की शक्ति बढ़ती है उस आदि स्वरूप के अभ्यास से, क्योंकि बाबा ने कहा देवताओं के कभी वजीर नहीं होते, उन्हें किसी से राय लेनी नहीं पड़ती है। तो बुद्धि पर इसका सबसे ज्यादा, हमारे आठ शक्तियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। विवेक या विजडम की जो शक्ति है वो बढ़ती है, और ऐसा जो विवेक वाला विजडम वाला जो इंसान है वो कभी किसी बात क्लियर नहीं करता, कभी डिबेट नहीं करता। अगर देवता स्वरूप का हमारा रियलाइजेशन है हम कभी नहीं करेंगे डिबेट, क्लियर करना अपनी बातों को, जिद में जाना, जिद करना, सिद्ध करना, ये भी हमने जो सेवन पॉइंट्स पढ़े कमजोरियां बाबा ने जो बताई उसके ऊपर। और तीसरा जो है वो है पूज्य स्वरूप, वर्शिप वर्दी का अगर फॉर्म हम अगर रियलाइज करते हैं कि हम क्या है वो स्ट्रांग है ना, इससे क्या मिलेगा आप अंदाज लगा सकते हैं इससे क्या होता है। पूज्य स्वरूप की शक्ति से या उस अभ्यास से अगर हम वो रियलाइज करते हैं तो हम इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं। अपने को अगर हम इतना शक्ति स्वरूप या ऐसा पूज्य स्वरूप के इसमें अगर हम खड़े हो तो वहां पे अपने भक्तों को, निर्बल आत्माओं को, दुनिया की सारे दुखी आत्माओं को देने का, सकार देने का उसमें अभ्यास कराया जाता। तो अगर हमको वो करने का उसमें रियलाइजेशन है तो इसका मतलब सीधा है कि इससे हम इमोशनली स्ट्रांग, भावनात्मक रूप से स्ट्रांग, वही तो शक्ति कहलाएंगे ना। सेंसिटिव नेचर नहीं होगा अगर हम ये स्वरूप का अभ्यास करते हैं। और ब्राह्मण स्वरूप से क्या होता है, अगर हम अपने ब्राह्मण स्वरूप का अर्थ समझते हैं, उसको रियलाइज करते हैं गहराई से, तो उससे हम सोशली स्ट्रांग बनते हैं, सोशली स्ट्रांग, सबके बीच में जब आते हैं। देखो हम अपने आप को अभी कैसे फील करते हैं, अभी हम ज्ञान में हैं, ब्राह्मण बने, जब हम हजारों की भीड़ में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, एयरपोर्ट पे होते हैं, कहीं पर, आप हमेशा देखना हम अपने आप को कैसा फील करते, स्ट्रांग फील करते हैं। 10 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में हम अपने आप को अलग महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो ब्राह्मण जीवन की बहुत अच्छी बाबा ने शक्ति भरी है, और वो कभी अपनी धारणाओं से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसीलिए वो स्ट्रांग होते हैं। लास्ट है फरिश्ता स्थिति, तो बाबा ने इसमें भी एक पॉइंट को बताया था कि फरिश्ता स्थिति नहीं होती है उसमें अगर कमी है तो क्या होता है, फीलिंग आती है तो हम फेल हो जाते। लेकिन अगर हम इस स्टेज का अभ्यास करते हैं तो उसमें हम निर्विघ्न बनते जाते हैं, हमारे विघ्न खत्म होने लगते हैं, विघ्न विनाशक बनते हैं। कौन से अभ्यास से, फरिश्ता स्थिति। और ऑल ओवर ज्ञान जो भी आगे का है, जहां पे मैं इन सब बातों को अभी थोड़ा पूरा कर रही हूँ, तो ऑल ओवर जैसे हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा आता है,
अगर हम इस कोर्स को रियलाइजेशन के रूप में, अगर बाबा ने कहा एक लेसन को कितना टाइम दो, 1 month, है ना, तो 1 month सही, या फिर सब एक पार्ट को अगर हम 1 week भी देते हैं, लेकिन उसको इतना पीसना है तो बहुत 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 उसकी जो शक्ति है वो हमको मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे हमारा ये जो ज्ञान मार्ग है, हम जो ये इसमें आए, इसकी विशेषता है रियलाइजेशन, महसूस कर, क्योंकि इसमें सब महसूस ही करना हो। आप देखो ना सोच के, यहाँ पर हमारा जो भी हम जितना भी आगे आए हैं इस जीवन में, हमने महसूस किया है, बाबा को महसूस किया है, बाबा के प्यार को महसूस किया है, दिखता कुछ नहीं अपनी आप, कोई आएगे आए भी तो हम उनको दिखाए कि आत्मा का करा थे, कहते हम आत्मा नहीं दिखा सकते, परमात्मा नहीं दिखा सकते हम आपको। और हमारा जो ज्ञान है, बाबा की जो पढ़ाई है, बाबा कहते ना बच्चे बहुत ऊंची पढ़ाई है, ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा, तो अगर इस बात को अगर हम जस्ट सोचे कितना ऊंचा है, ये पॉइंट बता के हम पूरा करेंगे, तो दुनिया में ये जो नॉलेज को समझने के लिए अलग अलग आप देखो रिसर्च करते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, ये सोल को समझने के लिए बहुत रिसर्च करते हैं, क्या है सोल, कहाँ रहती है और कैसे दिखती है, उसको हम कैसे पकड़ेंगे, कितना करते रहते हैं, उनको पता नहीं। दूसरी बात है, हमको पहले दिन ही बाबा ने रियलाइज कराया बच्चे आप मेरे बच्चे स्वीट सोल हो। दूसरी बात, जैसे अभी साइंटिस्ट है, नासा का हम बता सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो देख रहे कि भाई ये आकाश कहाँ खत्म होगा, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, और वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रोजेक्ट करते रहते कि ऊपर में हमको और ढूंढना है, इसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, जाते है, कितना ऊपर गए, पर नहीं समझ पाए कि उसके आगे एक सूक्ष्मतन है, उसके आगे एक परमधाम है। और हमारे छोटे बाबा के बच्चों को पूछो आत्मा कहाँ रहती, तो कहते परमधाम। तो साइंस वाले भी जो नहीं समझ सके, बाबा ने हमको इतना इजीली बताया, हम कितना आराम से कहते हैं परमधाम ना ऊपर है, और वो कैसा है, वो एक ब्रह्म तत्व है, एक लाइट का वर्ल्ड है, एंजल वर्ल्ड होता है, एंजल्स होते हैं, लोगों को सिर्फ इसके वर्ड्स पता है, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, ये बाबा ने हमको पढ़ाई में पढ़ाई। हिस्ट्री सुनाते हैं, तो क्या क्या हिस्ट्री, हम जब स्कूल में थे तब उसमें बताया कि पहले ना इंसान बाद में बना, इंसान पहले क्या था, क्या बताते पढ़ाई में, क्या बताते पढ़ाया तो होगा ना, साइंस वालों ने कहा पहले इंसान नहीं था दुनिया में, पहले जीव कैसे पैदा हुए, तो कहते कोई कहता पहले अमीबा था, लेकिन हम जब स्कूल में यहाँ पढ़े तो हमको पहले यह सिखाया गया कि पहले इंसान ना बंदर था, है ना, वो मंकी था, धीरे 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 वो सीधा हो गया, उसकी पूंछ निकल गई, ये हुआ वो गया, ऐसा हमको पढ़ाया और उसको उस वैसा रट के हम पास होते हैं। और बाबा ने हमको क्या बताया बच्चे, पहले मनुष्य कौन थे, देवता ही थे, वो बोलते मंकी थे, और बाबा ने कहा बच्चे देवता थे। और हिस्ट्री के इसमें बताते पहले क्या था, तो कहां तक जा सकते पीछे, लेकिन हमको पूरी हिस्ट्री पता है, 5000 साल की बात है, सत्युग से शुरू होता है, पहले ये हुआ था, ये हुआ था, आज भी वो इतनी खोज करते हैं, उनको आज भी कुछ इतनी मिराकुलस चीजें मिलती है कि ये मंदिर से गोल्ड क्यों निकला, इसमें इस तरह की आकृतियां क्यों है, ये स्ट्रक्चर ऐसा कैसे बना, हमको पता है हमारे सतयुग के सारे पार बचे हुए, लेकिन वो उसके ऊपर बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं। और रही बात भगवान को ढूंढने की, तो वो तो अभी भी ढूंढ रहे हैं, परंतु उनको वो पा नहीं सके, समझ नहीं सके, और वो तो हमारे साथ है, हमारे पास बैठा हुआ है। तो इतना ऊंचा ज्ञान है जो कहीं पर भी दुनिया में किसी को भी नहीं, ना बड़े बड़े विद्वानों को, ना वैज्ञानिकों को, ना रिसर्चर्स को, ना फिलोसोफर्स को, किसी को भी नहीं, पर हमें मिला। तो रियलाइजेशन का मतलब ही होता है कि हमें जो मिला है
वो इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। अगर हम रियलाइज करें तो अंदर से ही वो सब जो कुछ हम चाहते हैं वो सब कुछ अंदर से ही जैसे हमारे इमर्ज होगा, और सारा मसला या सारी बात यहाँ ही है, सब कुछ अपने अंदर ही है, बस हमको इमर्ज करने के लिए ही सब प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। कुछ भी चीज बाहर से नहीं आती, हम जो भी बनेंगे आज इस घड़ी भी हमारे अंदर सतयुग और त्रेता युग के 21 जन्मों का अभी भी देवताई पार्क अभी भी इस घड़ी है या नहीं, क्योंकि आत्मा के अंदर अविनाशी पार्क होता अभी भी, बस उसके ऊपर ये जो सारे लेयर्स चढ़े उन सभी चीजों को अभी निकाल। तो इस तरह से ये ऊंचे ज्ञान को बाबा ने हमको दिया है, तो हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं, और बस इसको हमें टाइम दे करके रियलाइज करना। और इसको हम कब रियलाइज कर सकते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी विधि है एकांतवास। एकांत, एकांत का अर्थ है अपने आप को हर चीज से फ्री कर, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, सब कुछ सब चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाए, और फिर अपने से मिले, जिसको हम कहते हैं सोल मीटिंग, अपनी खुद के साथ खुद की मीटिंग कर। किया भी होगा आज, जैसे ब्रह्मा बाबा करते, आज खुद के साथ मीटिंग और बात कर, और खुद से पूछना है क्या बात है, हाउ आर यू। तो ये जो रियलाइजेशन है, ये सारे आंसर्स हमको अंदर से आएंगे, क्योंकि यही एक बहुत प्यारी मेथड है, तरीका है, जो हमको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस जो है वो हमको दे सकती है। तो वैसे टाइम तो पूरा हो गया है, तो यहाँ पे पूरा करते हैं। तो दीदी, किसी को कुछ पूछना है, फिर शेयर करना है? मैंने कोर्स को नई तरीके से सुना, कभी भी कुछ बोल रहे हैं आप? सिस्टर, आप हमें मेडिटेशन करवाएंगे 5 स्वरूप का? 5 स्वरूप का वो कहते कर, तो सभी को टॉपिक क्लियर हुआ ना? तो ये एक्चुअली ये बताने का टॉपिक है ही नहीं, ये तो इसके बाद में हम जो अपने लिए करेंगे वो बात आज हमने शेयर की, कि हमको किस प्रकार से थोड़ा सा कुछ समथिंग चेंज टाइप से जो करना है तो वो हम कर सकते हैं। और ये 5 वर्ड का जो बताया ना, वो भी जैसे मैंने जो यहाँ पे 5 पॉइंट्स बताई, तो ये बहुत स्पार्क से ही सारा, वो स्पार्क की जो ही बातें आपके साथ शेयर की है, ये मेरी बातें नहीं है। हमने जो अलग अलग भट्टियां की, तो उसके अंदर हमने जाते थे तो पूरा 4 दिन 5 दिन साइलेंस में, 7 दिन साइलेंस में रहकर हमने ये अभ्यास किया, तो बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए वही बातें आपसे शेयर की। तो नहीं तो फिर हम 3 मिनट का योग, सॉरी 5 मिनट का योग हम अभी करते हैं। हाँ, हमें शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में हमें कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा, 5 स्वरूप। और या किसी ने पूछा रिकॉर्डिंग सेशन, यस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी हम मेडिटेशन करते थे, सॉफ्ट म्यूजिक अगर लगा सकते तो लगाइए, नहीं तो ऐसे कुछ। ठीक, ओम शांति। तो सब जहां भी बैठे हैं अपने स्थान पर थोड़ा सा अलर्ट होके सीधा होके बैठे, और अपने आप को तैयार कर दी अनुभव के लिए, रियलाइजेशन के लिए। सबसे पहले अपने घर को, स्वीट होम को याद करें। वो लाल प्रकाश की सुंदर हवियां, उस घर में प्यारे बाबा के साथ
स्वयं के तेजस्वी चमकते हुए आत्ममणि को महसूस कर, मैं आत्मा परम धाम प्यारे बाबा के साथ निराकारी स्वरूप में देख रही हूं। जहां से संपूर्ण पवित्रता की चमक धारण करके मेरे सामने मेरा देवता का ड्रेस तैयार है, उस सजे सजाए सतयुगी दैवी स्वरूप को स्वीकार करें। अपनी उस दैवी पवित्रता डबल लाइट ग्राउंड के रूप में अनुभव करें। ऐसे दैवी स्वरूप को भक्त भी बहुत याद करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में हजारों भक्त आस लेकर के मिलने आते हैं उस मंदिर के उस मुख्य स्थान पर स्वयं के पूज्य स्वरूप को विमर्श कर रियलाइज करें कैसे फील होता है कि हजारों भक्त हमारे सामने और हम उनसे बहुत ऊपर की अवस्था में उनको देने के लिए यहाँ पर खड़े, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हम ऐसी पूज्य स्वरूप आत्माएं जिसका इंतजार संगम युग पर स्वयं भगवान करते हैं। ऐसे पूज्य आत्माओं को मिलने भगवान ने इस धरती पर मधुबन जैसे पवित्र भूमि की रचना, जहां पर हम श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर अपने ज्ञान योग की पढ़ाई कर रही परमात्मा पिता का प्यार दुलार पा रहे हैं, ईश्वर की गोद गोद में अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों को अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाप भी कितना न प्यार करती, वो भी अपना हाथ बढ़ाकर हमारे अंदर के छिपे हुए फरिश्ते स्वरूप बुला रहा है। और जैसे हमारे अंदर से वो फरिश्ता का प्यारा स्वरूप जो सर्व बातों से न्यारा है, बड़े ही खुशी से बाबा के हाथ में हाथ देकर इस धरती को छोड़ उस फरिश्ते की दुनिया में सैर करने चला।
इतना प्यार बाबा का कि जैसे बाबा मुझ फरिश्ते को बाहू में समा रहे, मैं परमात्मा की बाहू में सुरक्षित अति भाग्यवान आत्मा ओम शांति।